Hello, my dear students. Today, in this video lecture, I am going to tell you about two photoreceptors. In my introductory portion of human eye, I have told you that in retina, there are two types of cells which are found, that is rods and cone. So, in this video, I am going to tell you about rods and cone. So, what are rod cells? These are the cells through which we can see in dim light and at night. Dim light भी कह सकते हैं और night conditions भी हम लोग कह सकते हैं. और cones की अगर हम लोग बात करें तो ये वो cells हैं जो हमारी bright light में they help in distinguishing colors during the day या फिर bright light. दूसरा कंडीशन हम लोग ये बताते हैं कि ये जो रॉड सेल्स हैं वो एक केमिकल कंपोनेंट सीक्रेट करते हैं, या आप कह सकते हैं फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है इनके पास, और उस फोटो सेंसिटिव पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन, दैट इज कॉल्ड रॉड से जो कंपोनेंट होगा फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होगा उसको रोडोप्सिन बोलेंगे. और जो कोन से सीक्रेट होगा, जो कोन में होगा फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, उसको हम लोग आयोडॉप्सिन बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही सेंसिटिव है लोअर इंटेंसिटी की लाइट पे, वेरी सेंसिटिव. आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरी सेंसिटिव टू लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और दूसरी बात है, अगर हम लोग कोन्स के बारे में लिखें तो ये काफी सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के, वेरी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो अगर रॉड्स की बात करें तो दे आर वेरी न्यूमरस, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोर न्यूमरस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोर न्यूमरस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. रेटिना पे ये काफी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. और रॉड्स मेनली नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. आप यहाँ पे लिखा था मैंने पहले भी कि नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स है जैसे आउल है, इनके पास मेनली रॉड्स होते हैं इनके रेटिना में, इसलिए ये आपने देखा होगा कि नाइट कंडीशन में भी इनका विजन अच्छा होता है. दे कैन नॉट परसीव कलर्स बट दे कैन सी क्लियरली इन डार्क. कलर्स को तो नहीं परसीव कर पाते हैं जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, लेकिन वो क्लियरली डार्क कंडीशंस में देख सकते हैं. दूसरा पॉइंट अगर हम लोग कोन्स की तरफ चलें स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ये काफी सेंसिटिव है ब्राइट लाइट पे, ये मैंने आपको बताया, और ये रेस्पॉन्ड करेंगे पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे. और कोन्स जो होते हैं दे आर लेस न्यूमरस और डिस्पर्स्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे फोविया पे, ताकि ये शार्प इमेज बनाए. और जो कोन्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था ये कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. और जितने भी डायर्नल एनिमल्स हैं लाइक स्पैरो विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, डायर्नल एनिमल्स उनको बोलते हैं जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, उनके पास मेनली कौन से सेल्स होंगे स्टूडेंट्स, कोन. कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनमें कौन से सेल्स होते हैं विजन के लिए, तो आपको याद रखना है रॉड्स होंगे क्योंकि वो डिम लाइट में नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. और दूसरी बात हम लोग कोन्स की अगर करें तो डायर्नल एनिमल्स जैसे कि आप लिख सकते हैं स्पैरो. सो दिस इज द कंपैरेटिव चार्ट ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स स्टूडेंट्स. आई होप दिस चार्ट विल हेल्प इन योर अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप वी विल मीट अगेन विद अ न्यू लेक्चर दैट विल बी ऑन एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर. सम कंपैरेटिव चार्ट्स वी विल डिस्कस वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस. So thank you students for listening my videos and for continuous supporting me. Okay, take care. Bye bye.